हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्यूट्रॉनिक्स। आज हम पेनड्राइव से सिस्टम को बूट करना सीखेंगे, कैसे पेनड्राइव से यानी यूएसबी से हम सिस्टम को बूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पेनड्राइव होना चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर हो बूटेबल, ताकि जब भी पेनड्राइव को एनेबल करेंगे तो अपने आप तो वहाँ से वो एक्सेस करके और बूट कर जाए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम बायोस में एंड सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने सिस्टम पे बूटेबल पेन ड्राइव कनेक्ट करना ज़रूरी होगा, तभी हम बायोस में सेटिंग कर पाएंगे। क्योंकि आपका पेन ड्राइव जब वो उसमें डिटेक्ट करेगा तभी आप वहाँ पे सेटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक पेन ड्राइव बूटेबल कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर लिया एंड देन एक बार रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को। एक्चुअली इसकी ज़रूरत इस तभी होती है जैसे आपको सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो बूटेबल पेन ड्राइव होता है और उस पेन ड्राइव से आपको सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम। उस केस में आपको ये ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि आपको इसी से कंप्यूटर को बूट कराना होगा, फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना होगा। तो ये पेन ड्राइव हमने कनेक्ट कर लिया है और इसको हम रिस्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली आपने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, वो सीडी से इंस्टॉल किया था, वहाँ पे भी बायोस सेटिंग मैंने वहाँ पे दिखाया था जिसमें कि सीडी रोम सेलेक्ट करना होता है ताकि सीडी रोम से आप सिस्टम को बूट कर सकें। उसी तरह से यहाँ फिर से हम बायोस में जाएंगे। अब पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेटिंग करनी होती है, तो वो हम देखते हैं। हमने एक पेन ड्राइव लगा दिया सिस्टम से और उसके बाद हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। चूँकि ऑलरेडी इसमें सब कुछ हो रखा है तो हमें रीस्टार्ट करना होगा, और रीस्टार्ट करते जैसे ही सिस्टम दोबारा बूट होता है हमें इसमें F2 प्रेस करना होगा। किसी किसी सिस्टम में आपको कोई और कीज़ भी प्रेस करने हो सकते हैं, वो जैसे ही आपके सिस्टम बूट होगा तो स्क्रीन पे आएगा कि आपको क्या प्रेस करना है। F2 प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस करना है, या डिलीट बटन प्रेस करना है, या कोई और की प्रेस करना है। इसमें हमें यहाँ पर दिखा रहा है F2 प्रेस करना है। मैं F2 प्रेस कर दिया और ये आप जैसा देख सकते हैं बायोस का सेटअप खुल गया। अब आप इसमें सेटिंग करेंगे पेन ड्राइव से कैसे बूट करेंगे। तो हम इसमें कॉन्फ़िगर करना है आपको कि ये आपका सिस्टम और क्या क्या सपोर्ट कर सकता है और क्या क्या सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो चीज़ आप यहाँ से इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं, यानी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने सेटअप में देखा था कि हम बूट में यहाँ पे बूट मेन्यू में आके हम यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करते हैं कि किस ड्राइव से हमें सिस्टम को बूट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें तीन चीज़ें दिख रही हैं, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव एंड नेटवर्क बूट। यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पेन ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने अभी तक वहाँ से एनेबल नहीं किया है कि ये USB बूटेबल सपोर्ट करे। पहले हम यहाँ कन्फिग्रेशन में USB लिगेसी में जाकर और इसको हम ये ऑलरेडी डिजेबल है तो इसको पहले हम इनेबल करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आ गया आपके पास इनेबल एंड डिजेबल का। ऑलरेडी ये डिजेबल है तो हमें इनेबल करना होगा, ये हमने इनेबल कर दिया। एंड देन हम आते हैं इसको भी हमें सेव करना होगा, एक बार देखते हैं। बिना सेव किए हुए सेटिंग इसका स्टोर नहीं होता है, तो हम पहले आते हैं यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे सेटिंग किया है इसको सेव करके और कंप्यूटर को रीस्टार्ट फिर से करना होगा एंड देन फिर वापस बायोस में आके और हमें सेटिंग करनी होगी वहाँ पर बूटेबल बाई पेन ड्राइव। हम पहले F10 प्रेस करके इसको सेव करते हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यस और नो का ऑप्शन है, यस, और फिर से ये सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पे फिर से वापस F2 प्रेस कर रहे हैं और ये बायस फिर से ओपन हो गया। अभी आप देखेंगे हम सीधे जाएंगे यहाँ पे इनेबल है USB लेगेसी। अभी हम जाएंगे यहाँ पे बूट में आ गए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया आपके पेन ड्राइव का। तो ये पेन ड्राइव हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पेन ड्राइव ताकि इससे बूट करें। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड देन सिमिलरली जैसा पहले भी हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखा था, इसको F5 या F6 प्रेस करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हम ऊपर सबसे ले जाएंगे इसको। अब ये सबसे ऊपर आ गया और यानी कि सबसे पहला बूटेबल ड्राइव जो होगा वो USB ड्राइव होगा, यानी कि सिस्टम सबसे पहले ट्राई करेगा USB से बूट करने के लिए। अब इसको हमें यहाँ पर सेव करना है और सेव करके देन फिर से रिस्टार्ट करना है
और तब आगे हमारा सिस्टम जो है वो यूएसबी से बूट करेगा। तो हम पहले F10 प्रेस करेंगे और इसको भी सेव करेंगे, यस करेंगे, एंड देन ये रीस्टार्ट हो रहा है और अभी ये जो है ये बूट करने के लिए ट्राई करेगा। ये आप देख सकते हैं प्रेस करने के लिए उसी तरह से बोल रहा है कि आपको यूएसबी से बूट करना है, तो उसके लिए आप प्रेस कीजिए की। तो ये मैंने प्रेस कर दिया और ये बूट कर गया। एक बार जब सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाए तो फिर उसके बाद फिर इसको डिसेबल भी करना होता है। वापस आके आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके फिर या बूट में जाके इसको डिसेबल भी करेंगे या किसी दूसरे प्रायोरिटी इसकी चेंज कर देंगे। आप इसको नीचे लेके चले जाएंगे ताकि इसको फर्स्ट टाइम ट्राई ना करें और आपका फर्स्ट बूट जो वो हार्ड डिस्क हो। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेनड्राइव लगाएंगे तो उस केस में, और पेनड्राइव लगा के अगर सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे ऐसे केस में सबसे पहले सर्च करना शुरू करेगा आपके पेनड्राइव से बूट करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, तो आपका काम अगर बूट का हो जाए पेनड्राइव का, तो फिर से वापस बायस सेटअप में आके और इसको चेंज कीजिए और फिर से वापस हार्ड डिस्क को सेट कर लीजिए फर्स्ट बूट प्रायोरिटी में। और यहाँ से भी आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, यूएसबी लीगेसी डिसेबल करके, एंड देन वापस फिर इसको F10 प्रेस करेंगे और सेव करके यस कर देंगे। सो फिर ये आपका नॉर्मल जो है हार्ड डिस्क से बूट करना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क से बूट हो रहा है आपका सिस्टम, यूएसबी लगा हुआ है फिर भी उसमें ट्राई नहीं कर रहा, ये सीधा हार्ड डिस्क से बूट कर रहा है। तो इस तरह से सेट करना ज़रूरी होगा आपको काम करने के बाद, ताकि बाद में फिर आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस ना हो कि हर बार वो ट्राई कर ले। थैंक यू वेरी मच।